बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अंतिम दौर में है। शुक्रवार सुबह तिगैला से शुरू हुई यात्रा ओरछा के रामराजा मंदिर पहुंची। यहां पंडित शास्त्री ने पूजा अर्चना के बाद धर्म ध्वजा फहराई। 9 दिनों तक चली इस पदयात्रा का समापन हनुमान चालीसा पाठ के साथ होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा समाप्त हो चुकी है। ओरछा के राम राजा मंदिर में बागेश्वर महाराज ने पताका फहराकर यात्रा को विराम दिया। बागेश्वर धाम से शुरू हुई इस यात्रा में काफी उतार चढ़ाव आए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जात पात के भेदभाव को खत्म करते हुए लोगों के साथ खाना खाते हुए भी नजर आए, तो वही दूसरी तरफ भक्तों का प्रेम भी नजर आया। 160 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बाबा बागेश्वर के पैरों में पहले छाले पड़े और उन्हीं छालों में फिर खाब हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी बाबा बागेश्वर ने एकता यात्रा में इसका असर नहीं पड़ने दिया। एकता यात्रा का पहला दिन 21 नवंबर को था। बागेश्वर धाम से इसकी शुरुआत होती है और 15 किलोमीटर यात्रा तय की जाती है। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदुओं को एक करके रहेंगे, देश को भारत, भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम। यात्रा का दूसरा दिन 22 नवंबर को होता है। कदारी से पेप्टिक टाउन तक ये सफर होता है। 17 किलोमीटर तक का सफर तय किया जाता है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि ये एक धर्म युद्ध है और इस युद्ध के लिए हम सड़क पर उतरे हैं। यात्रा ऐसी आजा माता, यात्रा देश को बचाने की है, ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है, इस देश में हिंदू एक होने के लिए तैयार है। यात्रा का तीसरा दिन 23 नवंबर को होता है। पेप्टिक टाउन से नौगांव जाता है और नौगांव में 21 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जब ये यात्रा पहुंचती है तो बाबा बागेश्वर कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। हिंदुओं का देखा, हम भरोसे के साथ कह सकते हैं इस देश के हिंदुओं को ऊर्जा देने भर की जरूरत है, भारत विश्व गुरु बनेगा। यात्रा का चौथा दिन नौगांव से देवरी बंधा तक यात्रा शुरू होती है। 22 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद बाबा बागेश्वर यहां पर एक बयान देते हैं और कहते हैं कि धर्म विरोधी इस देश को छोड़ेंगे। एकता यात्रा का मकसद हिंदुओं को एक करना है। हमें लग रहा है हिंदुत्व की उबाल हो रही है, हिंदू जगेगा, धर्म विरोधी देश से भागेगा, देश नया इतिहास लिखेगा और इस देश में हिंदुत्व का भगवा परचम लहराएगा, भेदभाव जात पात मिटेगी। 25 नवंबर को यात्रा का पांचवा दिन देवकी गेस्ट हाउस से उत्तर प्रदेश के झांसी के महुरानीपुर पहुंचती है। 22 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हुए बाबा यहां पर कहते हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। धनबाजियों से हमें डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। इससे ज़्यादा अगर बयानबाजी होगी तो हम फिर और नहीं रुकेंगे, हम फिर लगातार जल्दी जल्दी करेंगे, हम उल्टे आदमी। 26 नवंबर को महुरानीपुर से यात्रा घुघसी पहुंचती है। 17 किलोमीटर तक सफर तय किया जाता है और इस पदयात्रा में बाबा ये भी कहते हैं कि जल्द ही दूसरी यात्रा भी करेंगे, साथ ही साथ विरोधियों को करारा जवाब भी देते हैं। बिल्कुल मिलेगी, इससे बड़ी मिलेगी, हमें भरोसा है और जल्दी ही हम दूसरी पदयात्रा करेंगे। 27 नवंबर को घुघसी से निवाड़ी तक की यात्रा होती है और यात्रा वापस फिर मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाती है। 17 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए बाबा कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको जनता जवाब देगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार उसी उत्साह के साथ यात्रा कर रहे थे। हमारा जवाब इस देश के हिंदू जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं वो देंगे, हम क्यों दें। यात्रा के आठवें दिन यानी 28 नवंबर को निवाड़ी से ओरछा के तिगैला तक यात्रा पहुंचती है और लगभग 15.5 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है। बाबा इस दौरान ये कहते हैं कि कट्टर हिंदुत्व बनाना चुनौती है, लेकिन इसके साथ ही एकता यात्रा में लोगों के हुजूम और उत्साह के साथ बाबा ये भी कहते हैं कि एकता यात्रा जारी रहेगी। 29 नवंबर को तिगैला से राम राजा मंदिर ओरछा तक ये यात्रा चलती है और 8 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यात्रा का समापन होता है, लेकिन यात्रा के समापन के साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि एक यात्रा तो समाप्त हो रही है लेकिन अब दूसरी यात्रा ब्रज में होगी और अब आगे ब्रज की तैयारी है क्योंकि कृष्ण कन्हैया लाल वहीं बैठे हैं। वहां हमारे कन्हैया भगवान कृष्ण बैठे हैं।
यानी कुल मिलाकर एक यात्रा का समापन हुआ और दूसरी यात्रा का ऐलान हुआ। 21 नवंबर से शुरू हुई इस यात्रा में संजय दत्त, खली से लेकर मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी शामिल हुए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से राजा भैया और दिल्ली से मनोज तिवारी भी इस यात्रा में पहुंचे और हिंदू एकता यात्रा में मैसेज दिया कि वो हिंदू एकता यात्रा के समर्थक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।